आयरलैंड की 2023 में मुस्लिम आबादी कितनी है? दोस्तों, आयरलैंड उत्तर पश्चिमी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है जो दुनिया का 20वां सबसे बड़ा द्वीप है। उत्तरी आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम द्वारा शासित है जबकि शेष आयरलैंड एक स्वतंत्र राष्ट्र है। आयरलैंड दुनिया के उन एकमात्र देशों में से एक है जिसके नागरिक अपने देश में कम और दुनिया के अन्य देशों में अधिक रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आयरलैंड के बारे में ऐसी ही अजीबोगरीब तथ्यों के बारे में जानेंगे जो हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आयरलैंड का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है और आयरलैंड का सबसे बड़ा शहर क्रॉक है। आयरलैंड का लगभग क्षेत्रफल 84,421 वर्ग किलोमीटर इतना है। आयरलैंड की मुद्रा यूरो है। आयरलैंड की राजकीय भाषा आयरिश है। यहाँ पर सिर्फ 10% लोग ही आयरिश भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आयरलैंड भी अन्य देशों की तरह ही ब्रिटिशों का अधीन था। 1801 में आयरलैंड तथा ग्रेट ब्रिटेन को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया था। 6 दिसंबर 1921 को आयरलैंड का विभाजन किया गया और 6 दिसंबर 1922 को आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। में आइसलैंड और आयरलैंड ही ऐसे देश हैं जहां पर एक भी सांप नहीं पाया जाता और इसकी वजह वहां की ठंड है। यूरोपियन प्रांत में आयरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहां पर गर्भपात करना कानूनी अपराध है। आप सभी ने टाइटैनिक जहाज के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन क्या आपको पता है कि इसका निर्माण आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में किया गया था। आयरलैंड का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है फिर भी इस देश में लगभग 80% लोग रोमन कैथोलिक धर्म का पालन करते हैं। आयरलैंड की सबसे लंबी नदी का नाम शेनन है जिसकी कुल लंबाई करीबन 360 किलोमीटर है। आयरलैंड मुख्य रूप से ईसाई देश है। यहाँ पर औसतन प्रति व्यक्ति सालाना 4.83 पाउंड चाय का सेवन करते हैं। इस देश का नाम आपको सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप में ही सुनाई दिया होगा। आयरलैंड की सीमा उत्तर और पश्चिम में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब से लगती है। आयरलैंड में 36 लाख लोग चश्मे पहनते हैं। आयरलैंड को अमरलैंड आइल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में हरी भरी पहाड़ियों और हरियाली है। आयरलैंड में गे मैरिज को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त हुई है। यह पूरी तरह से लीगल है। यदि आपके बड़े बुजुर्ग आयरिश यानी आयरलैंड के हैं तो आपको भी वहाँ की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसका आपके जन्म स्थान से कोई लेना देना नहीं है। आयरलैंड में औसत उम्र 48.2 साल है। यदि किसी गाने के 5,000 कॉपीज आयरलैंड में सेल हो जाए तो उसे आयरलैंड का सबसे बेस्ट गाना माना जाता है। बेस्ट सेलर बनाने के लिए आयरलैंड में आपको केवल 3,000 कॉपीज सेल करनी होगी। आयरलैंड की जीडीपी 504.18 बिलियन यूरो डॉलर इतनी है। आयरलैंड का साक्षरता दर 99% है। तो दोस्तों, ये थी आयरलैंड के रोचक तथ्यों की इन्फॉर्मेशन। अब आइए जानते हैं आयरलैंड की मुस्लिम आबादी के बारे में। दोस्तों, आयरलैंड की 2023 की मुस्लिम आबादी के बारे में जानने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रसिद्ध वेबसाइट वर्ल्डोमीटर के अनुसार आयरलैंड की 2023 की कुल जनसंख्या 50,97,449 इतनी है जो दुनिया के कुल आबादी का 0.06% के बराबर है। अगर हम बात करें आयरलैंड की मुस्लिम आबादी की तो आयरलैंड की 2023 की मुस्लिम आबादी 67,796 इतनी है जो आयरलैंड की आबादी का 1.33% आता है। वहीं अगर हम बात करें आयरलैंड की हिंदू आबादी की तो आयरलैंड की कुल हिंदू आबादी 20,390 इतनी है जो आयरलैंड की कुल आबादी का 0.4% के बराबर है। अगर हम बात करें आयरलैंड की 2023 की ईसाई धर्म की आबादी की तो आयरलैंड की ईसाई धर्म की आबादी 43,12,441 इतनी है जो आयरलैंड की आबादी का 84.6% आता है। तो दोस्तों, ये थी आयरलैंड की 2023 की मुस्लिम आबादी की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आपको आयरलैंड के अलावा किसी अन्य देश की मुस्लिम आबादी या जनसंख्या के बारे में जानना हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारी ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।